हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है बैगन का भरता। ये भरता खाने में लाजवाब होता है और झटपट बन भी जाता है। इसे चाहे तो आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं, पूड़ी पराठा के साथ भी खा सकते हैं। खाने में लाजवाब होता है। आप चाहें तो रात के खाने के समय बना सकते हैं या लंच के समय भी बनाकर खा सकते हैं। जो खाएगा वो आपका तारीफ़ करेगा, उंगलियाँ चाट कर खाएगा, प्लेट भी चाट चाट कर खाएगा। तो आइए देखते हैं ये भरता कैसे बनता है। भरता को बनाने के लिए दो मीडियम साइज़ का बैगन लिए हैं। ये बैगन 300 ग्राम है। इसे बहुत लोग भाटा भी कहते हैं। जब बैगन खरीदिए तो हल्का बैगन लेना चाहिए, जो भारी लगे उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कम बीज वाला ही बैगन अच्छा होता है, उसका चोखा टेस्टी बनता है। हाथ में आयल ले लिए हैं, अब बैगन में लगा लेंगे। इसे जब हम बैगन को भूजेंगे तो झटपट जल्दी से भूज जाता है आसानी से। पहले तो लोग कोयला पे, लकड़ी पे या ऊपरी पे भूनते थे। आजकल ये सब सुविधा कम होता है तो लोग झटपट गैस पे ही भून लेता है। गैस पे एक हम जाली चढ़ा दिए हैं, आप कोई भी जाली ले सकते हैं। अब इस पे बैगन को हम रख देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं। गैस का फ्लेम अभी हम मीडियम रखेंगे, कुछ देर बाद लो करेंगे, क्योंकि मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे तो ये अंदर से अच्छे से पक जाएगा और कच्चा भी नहीं रहेगा। फ्लेम हाई कर देंगे तो ये कच्चा रह जाएगा, ऊपर से जल जाएगा और अच्छे से नहीं भुनेगा। अब गैस का फ्लेम लो कर दिए हैं और इस तरह से अलट पलट कर बैगन को भून लेंगे। अलटेंगे पलटेंगे नहीं तो ये एक तरफ ही जल जाएगा और एक तरफ कच्चा रह जाएगा, अच्छे से नहीं भुनेंगे। इसलिए लो फ्लेम पर देखिए इसको अलट पलट कर हम भून ले रहे हैं। बैगन का भरता तो ऐसा डिश है कि किसी भी मौसम में आप बनाकर खा सकते हैं। जिस मौसम में भी आप बनाकर खाएंगे ये बहुत लाजवाब लगेगा। तो दोनों बैगन हम भून लिए हैं, अब गैस को बंद कर देते हैं, इसको निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आसानी से छिल जाता है। बैगन ठंडा हो गया है, अब इसे हम छिल लेते हैं। देखिए इस तरह से छिलका इसका आसानी से छिल के रेडी हो जाता है और झटपट चोखा भी बन जाता है। अब इसी तरह हम दोनों बैगन को छील लेंगे। आप चाहें तो इसे पानी में डाल के छील सकते हैं या इसी तरह छील सकते हैं, जैसे आपका मन करे। अगर गर्म है तो पानी में डाल के छील लीजिए, अगर ठंडा हो गया है तो इसी तरह ये छील जाता है। दोनों बैगन छील गए हैं। अब इसके जो ऊपर का डंठल वाला हिस्सा है इसको काट लेंगे। देखिए बैगन में कहीं भी छिलका नहीं है। अब इस डंठल को काट के हटा देते हैं। लिट्टी मकुनी के साथ भी ये चोखा खाने में बहुत लाजवाब होता है। जिस चीज़ से भी आप खाएंगे इस भरते को, मन करेगा कि और खा लें। तो देखिए इस तरह से झटपट बैगन कट के रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसे हाथ से मसल लीजिए, बहुत ज़्यादा मसलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी से हम पैन में डाल के पकाएंगे तो खुद ही मैश हो जाएगा। फॉर्क की सहायता से चाहे चम्मच ले लीजिए, हाथ से ही इसको हल्का हल्का मैश कर लीजिए, बहुत ज़्यादा मैश करने की ज़रूरत नहीं है। बैगन मैश हो गया, अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं। इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे, तेल को गर्म होने देंगे। सरसों के तेल में भरता बहुत टेस्टी बनता है। आप जो भी ऑयल खाना पसंद करें उसे डाल सकते हैं। 1 टुकड़ा दालचीनी डाल दिए, 2 लौंग डाल दिए, थोड़ा सा जीरा डाल दिए। गैस का फ्लेम लो है, 1 तेज़पत्ता डाल देंगे, थोड़ा सा हींग डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छा आता है, पेट भी सही रहता है। 2-3 कली लहसुन का काट के डाल दिए, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक भी डाल देंगे। थोड़ी देर इन सब चीज़ों को भून लेंगे, बहुत देर तक नहीं भूनना है। अब इसमें कटा हुआ प्याज डाल देंगे, 1 छोटे साइज का प्याज डाले हैं। प्याज को 1 मिनट तक सिर्फ फ्राई करेंगे, जिससे कि इसका कच्चापन निकल जाए। बहुत देर तक प्याज को नहीं फ्राई करना है। प्याज फ्राई हो गया है, अब 2 कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। आप कितना तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से मिर्ची को डाल दीजिए, क्योंकि अभी लाल मिर्ची पाउडर भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब इसमें 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर को मिक्स कर लेते हैं। कुछ ही देर में टमाटर सॉफ्ट होने लगता है। अब इसमें कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे हल्दी पाउडर, नहीं तो अच्छा नहीं आता है टेस्ट। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच डाले हैं, इससे कलर प्यारा आता है और तीखा कम होता है। 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिए हैं। धनिया पाउडर 1/4 चम्मच डालेंगे। अमचूर पाउडर 1/4 चम्मच डालेंगे।
इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अमचूर पाउडर हो तो ज़रूर डालिएगा। मसालों को 2 मिनट तक भून लेते हैं। गैस का फ्लेम लो रखे हैं, इसे ढक देते हैं। मसाले भून गए हैं, 2-3 मिनट तक टमाटर को मसालों के साथ पकने देंगे। टमाटर हल्का हल्का पानी छोड़ा है, देखिए इन्हें अच्छे से भून लेते हैं। अब जो हम बैंगन रखे हैं भून के मैश करके इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से झटपट भरता तैयार हो जाता है। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार डालिएगा। कम रहता है तो थोड़ा सा बाद में डाल लेते हैं चखकर, ज़्यादा हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। नमक को भरता में अच्छे से देखिए मिक्स कर लिए हैं। अब इसे ढक देंगे, लो फ्लेम पर ही 2-3 मिनट तक भरता को पकने देंगे। भरता को पकते हुए 3 मिनट हो गया है, खुशबू बहुत अच्छा आ रहा है। मन कर रहा है कि झटपट बाटी के साथ खा लिया जाए। चावल के साथ भी खाने में बहुत लाजवाब लगता है। इस तरह से हम भरता को थोड़ी देर अच्छे से और भून लिए हैं। अब इसमें कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। धनिया से भरता में और जान आ जाएगा, जिससे कि और लाजवाब बन जाएगा। धनिया को मिक्स कर लेते हैं। ये भरता बन के रेडी हो गया है। अब गैस को बंद कर देते हैं और भरता को सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से झटपट टेस्टी भरता खाने के लिए रेडी है। जब मन करे तब बना कर खाइए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए। जो इस भरता को खाएगा वो आपका तारीफ करेगा, बार बार बनाने का मांग करेगा। तो इस तरह से टेस्टी भरता एक बार आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।